हे गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज हम YouTube के एक महान हस्ती को रोस्ट करेंगे। रोस्ट मतलब अगर नहीं पता तो गाइस मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज हम लोग रोस्ट करने वाले हैं एक YouTube की महान हस्ती को, और इसका नाम आप सब सभी लोग ने सुना होगा गाइस कभी ना कभी। तो ये तो माना कि गाइस 103 मिलियन सब्सक्राइबर पाना या 100 से ऊपर मिलियन सब्सक्राइबर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसे लोग को मिल जाए ना तो उसे समझ पाना उससे भी मुश्किल होता है। और गाइस ऐसे इंट्रो, मतलब यार ऐसे इंट्रो कौन बनाता है यार, कुछ ये कैसा वीडियो, कैन दिस वीडियो गेट 1 मिलियन कमेंट्स, मतलब क्या बनाता है भाई। It's Google, 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 you call it at last. Now tell me about the secret algorithm. You promised once I hit 50 million, you would tell me everything. I need more power. I'm running low. Jacksepticeye is catching up. I'm falling behind. Google, what you want Lily Sings on top? That's right, I know you don't. Now that you finally made it to 50 million subs, you have access to a super secret higher level of YouTube heroes. YouTube Super Saiyan God level hero. YouTube Super Saiyan God level hero. What is the key information? Listen closely to this information. Okay. The likes, they don't do anything. It's a dead button. It's been a dead button all along. The dislikes. What about the dislikes? Don't you see? That's the key. The more dislikes, the more power. How do you think so many channels can rise to the top? Ghostbusters, Rebecca Black, Justin Bieber Vivo, Call of Duty. So you're telling me if I get more dislikes, you will become more powerful than you could ever imagine? आपने जो कुछ भी देखा उसमें ये था, ये इनको एक कॉल आता है गूगल से, वो कहते हैं जितने मतलब डिसलाइक्स मिलेंगे उतने आपके पावर बढ़ जाएगी। तो ये बंदा व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके इस वीडियो का टाइटल है कैन दिस वीडियो गेट 1 मिलियन डिसलाइक्स, तो मतलब क्या हद हो गई यहाँ। क्या हुआ, रुक जा भाई, रुक जा, नहीं ठीक है हाँ भाई, शांत हो जा, एक मिनट, दिमाग इनका खराब हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पगले की हद हो चुकी है, और यहाँ पे वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर, यूट्यूब का किंग पगला गए हैं। और इन्होंने ये चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कैन दिस वीडियो गेट 1 मिलियन डिसलाइक्स, और इन्होंने कुछ भी करके रखा है, बच्चे को इन्होंने मारा, मतलब क्या इनके खिलाफ मूवमेंट हमें चलाना होगा, और इनको बहुत मारना होगा। ये अपने कुत्तों को मारते हुए और ये कहते हुए फिर से पूछते हुए वही क्वेश्चन कि 1 मिलियन डिसलाइक मिल सकता है कि नहीं। अब इन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, पानी की जगह पता नहीं क्या क्या मुँह से टपकने लगा, पानी पीने का सहूर, ये सब एडिकेट्स भूल चुके हैं। अब ये कूद पड़े हैं और ये पागल हो चुके हैं, तो YouTube किंग पागल हो चुके हैं। और ये देखिए सड़क से बाहर नंगे आ गए हैं और सबसे पूछ रहे हैं 1 मिलियन डिसलाइक मिल सकता है कि नहीं, व्यूज पाने के लिए हद पे आ गए बंदा, ब्रेकिंग न्यूज। बेचारा बंदा दुखी हो चुका है, इसका क्वेश्चन है कि 1 मिलियन डिसलाइक इस वीडियो को मिल सकता है कि नहीं, और ये हमारे YouTube किंग, और इन्हें YouTube किंग माना जाता है, वाह। तो इस बंदे का यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ गाइस, इसने अभी तक अपनी बातें क्रिंज बैटल नहीं ख़त्म करी। इसका दुश्मन है टी सीरीज, ठीक है, टी सीरीज पे इसने एक डिस्ट्रैक्ट जारी किया जिससे पूरे इंडियंस खिलाफ हो चुके हैं। The real tea. You're trying to beat through me from spot on number one, but you in the year you lose. So best thing you have in one. भाई तुझे अगर टी सीरीज को रोस्ट करना था ना तू कर लेता, मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब इंडिया की बात आती है ना तो हम सब इंडियंस आगे आ जाएंगे। तो अब सब लोग कहेंगे ये प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज वीडियो नहीं गाइस, हम इस बंदे को अलग से रोस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इनको बता दूं कि इंडिया पे कुछ बोलना मत भाई, क्योंकि तो भाई इंडिया पे कुछ मत बोलना, अब नहीं तो तेरा इतना बुरा रोस्ट होगा भाई, क्योंकि इसके रोस्ट गाइस बहुत हो चुके हैं, इसके डिस्ट्रैक पे बहुत सारे रोस्ट आ चुके हैं इनके प्यूडीपाई जी के। और ये मजाक अपने वीडियो में करते हैं, और इनका मजाक आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो प्यूडीपाई मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि टी सीरीज के 133 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, तो आइए प्यूडीपाई मैं आपको दिखाऊँ, आपके 103 मिलियन सब्सक्राइबर, यू प्यूडीपाई यू लूज, बेचती।
everybody. Scatara! Don't laugh. Let's begin the challenge. Most... ये बंदा पागल हो गया है क्या यहाँ पे? मतलब मैंने दिखा दिया उस आपके 183 मिलियन व्यूज से आप हार चुके हैं, तब भी ये कह रहे हैं यू इंडिया यू लूज। अब ये वीडियो एक देख रहे हैं मोस्ट ड्रामेटिक सीन एवर। तो आइए देखते हैं इनके वीडियो में, इस मूर्ख गधे के वीडियो में होता क्या है आगे। ओके चलिए देखते हैं। Oh my God, it's beautiful. I need to watch some Indian dramas, clearly. It reminds me of the sound from that all the viners use in every single clip. Doom. Dramatic Indian drama character introduction. Okay, let's watch. ओके ठीक है, ये सीन अगर ऐसा है, आप इंडिया को, इंडिया के सीन्स को अगर ऐसा कहते हैं, तो आपने क्या आपने स्वीडन के कॉमर्शियल एड्स नहीं देखे? तो आइए हम सब का स्वीडन के कुछ मीम्स और उनके एड्स देखते हैं और इनकी कंट्री को जरा दिखाते हैं कि इनकी कंट्री जरा है क्या। यहाँ पे एक बंदा जिसके हाथ में एक बास्केट टाइप का है वो चल रहा है, ठीक है चलिए ठीक है ये चल रहा है, स्वीडन का है। वहाँ से आवाज़ आती है एक भालू की, ठीक है भालू की आवाज़ आती है। अब इसने अपना मुंह पोछा और अपने अंदर का टेंशन रिलीज किया है। अब ये चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, इन्हें मिला है एक चमकता हुआ गोला। अब ये गोला बैरी है कि क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उस गोले को निकालने की कोशिश की उन्होंने, ओह भाई हाथ कट गया इनका, इसके भी कुछ अरमान थे गाइस, इसको इसके हाथ कट गए। अब ये यहाँ पे नया हाथ आ गया, इसमें घड़ी लगी, अब ये पी रहे हैं उसी ड्रिंक को पी रहे हैं। मतलब अभी तक इनको नहीं समझ में आया, और ये एक ड्रिंक का एक्ट था, तो अभी तक तो ये है इनके एड्स। इसमें टी का एड है जिसमें हाथ कट जा रहा है बंदों का, ये है स्वीडन के एड्स। तो गाइस ये है इनकी कंट्री और ये आ रहे हैं चले इंडिया को भाई अपना रोस्ट कर। ये मीम स्वीडन 500 साल पहले ऐसा और स्वीडन आज पागल हो चुका है भाई जी। ये है आपके कंट्री के कुछ मीम्स, आपने अपनी कंट्री को बिगाड़ के रख दिया भाई। ये है एक स्वीडन का न्यूज रिपोर्टर और इसने इतने फैशन के कपड़े पहने हुए। कंट्री के रिपोर्टर ही ऐसे हो, उस कंट्री के यूट्यूबर्स कैसे होंगे। और ये है स्वीडन, ये मीम बताता है कि स्वीडन कितना बेकार है, कि इतने सारे लोग इतना बदनाम है, ठीक है ये आपको इस ये मीम बताता है। देख लो प्यूडीपाई कच्चा चिट्ठा खोलता हुआ एक नया मीम जिसमें कहा है कि स्वीडन जब पूरे यूरोप में सबसे आयरन नाजीज को बेचा था, तो भाई आयरन बेचने वाले देश चाहे वो प्यूडीपाई हम लोग को रोज करे। बैटमैन को हर कंट्री में बैटमैन कहते हैं और बस प्यूडीपाई की कंट्री में लैंडर लैप। इस वजह से प्यूडीपाई इतने इंटेलिजेंट है, अब मुझे समझ में आया क्योंकि उनकी कंट्री इतनी इंटेलिजेंट है। मतलब ये है स्वीडन के फ्लैग का मतलब, देख लीजिए प्यूडीपाई यही है इसका मतलब। आपको बताएगी कि क्यों प्यूडीपाई का दिमाग उल्टा चलता है, समझ में आया? तो गाइस ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा अगर ये रोस्ट पसंद आया, और अगला रोस्ट वीडियो क्या होना चाहिए गाइस ये कमेंट करना मत भूलेगा। और आज हम लोग प्यूडीपाई की तरफ देखेंगे कि कैन दिस वीडियो गेट वन लाइक। तो गाइस कैसा चैलेंज लगा? बहुत मस्त चैलेंज। ये क्रेजी ड्यूड, आपने बहुत अच्छा रोस्ट किया मेरा, बाय बाय दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, इतनी बार मैंने बोल चुका है क्योंकि सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं जाता है, और एक लाइक का टारगेट जरूर पूरा करिएगा। बाय।